आपको क्यों मार रही थी? बताइए, उस साथ बैठने के लिए कि इसको रखा है, इसको साथ क्यों घूम रहा है कि मोरी और ना या लेके ले काहे घूम मत भाई, बस यह बात है। मतलब अभी कुछ समय पहले, मात्र 10 मिनट पहले यहाँ पे कुछ विवाद हो गया था। एक कार सवार व्यक्ति को कोई महिला आई और उनको चाटे लगाने लगी, और ये महिला जो अंदर बैठी हुई थी ये कार से बाहर नजर आ रही है, और जो कार पे जो व्यक्ति था वो कार लेकर यहाँ से चला गया। क्या सारा मामला था, उस चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे। वो देखा गोबरामा के गोबरी, एक गोबरी गोबरी नाम है उनकी, पतो है या क्या है, मतलब जैसे समझने उनको दो भाई थे, जैसे उनके चाचा लगे हैं कि ससुरे लगे हैं, ये ना हमें डिटेल पता है, लेकिन उनकी पतो है ये। ये जो 14 साल 15 मतलब प्रधानी चलाए 15 साल, तो ये जो है कि बस है, मतलब उनके सास से झगड़ा करते, परानी उरानी सब झगड़ा करते थे। ये कही थी बस मदद लेने 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 से बस इनको मतलब पसंद करने लगी, मतलब अपना मतलब कुल मतलब करने लगी। तो कहे कि यहाँ मतलब ये महिला उसी गांव में, उसी गांव की है? हाँ, उस गांव की बेटी है, उस गांव की बहू है? नहीं, बहू दोनों है, हम बेटी हैं, वो तो बहू है, भाई है हमारे। अच्छा, वो जो कार में सवार थे आपके भाई थे? हाँ, वो भाई थे। क्या नाम था उनका? बांकेलाल यादव। बांकेलाल यादव, हाँ। तो आप कार में बैठी थी, हाँ। वो महिला कहाँ से, कैसे उसको सूचना मिला वो यहाँ पर आई? वो बुला रही थी कि सुबह की तुम आज चली आइए मेरे पास, तो कहे कि मैं बहन के लेकर जा रहा हूँ, तुम क्यों परेशान की हो, मैं आऊँगा तब फिर तुमसे मिलूँगा। कहे नहीं तुम चले आओ, चले खोजते खोजते यहाँ चले आई। उनके मंगरा टिकरिया नैहर है। अच्छा। और घर गोबराहा है, घर की बहू है, मंगरा टिकरिया की बेटी है वो। अब वो कह रही थी कि जो ना कि चले आओ, अरे किसी किसी के साथ तुम बहुत ये कर रहे हो वो कर, अरे नहीं मेरी बहन है भाई, मैं उसको ले जा रहा हूँ छोड़ने के लिए, आज उसका पति होता, अब मेरे बेटे को जो ना कि बंसूरा मारे घाव लगाने, अगर वो चलाने लायक बाइक होता तो मैं खुद लेके जाता, जी, जी, जी। लेकिन वो नहीं करने लायक है, मेरे पास छोटे छोटे और बच्चे हैं, ये तो सयान था थोड़ा मतलब चला लेता है गाड़ी, तो नहीं जरा तेन कहे चलिए हम ले चलते हैं बहन, तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तुम मासूम मत बहाना, राजू मेरा भाई था, मैं उसे पाला था बचपन से, तुम उन्हीं की बहन हो, तुम मेरी भी बहन हो, ये मुझे बहुत मानते थे, बताइए मुझे जो ना कि खियाते पियाते ले गए, ये इसको इतनी जरन है, मेरी भाभी घर विवाद का कारण क्या बना, विवाद क्यों हुआ ये हमको बताइए, विवाद का कारण क्यों बना, मतलब विवाह विवाद मैं पूछ रहा हूँ कि झगड़ा झंझट, झगड़ा झगड़ा मतलब ये सोच रही कि अभी हमें देखी नहीं है। अच्छा, मैं जब देखा आपका मुंह ढका हुआ था, नहीं, तो नहीं। आपके ऊपर भी हमला की है और देख लीजिए ऐसे ही मेरा मुंह, हाँ, तो वो जो है ना सोच अभी वो हमें नहीं देखी है, मैं उनको देखा हूँ अपने घर, उनको मैं ठिकाना दिया अपने वहाँ नैहरे, मेरा कनेरी नैहर है। अच्छा। मैं मेरे घर जब ये मेरे भाई के साथ गई थी तो हमने कहा चले जाने दो, प्यार मोहब्बत हो गया, जो हम अपने घर खाना बना कर हम दोनों भाई बहन इनको खिलाए थे, इनको बिस्तर दिए थे, इनके घर दिए थे सोने के लिए, बस हाँ, तब ये जो है बस का करने लगी कि जो है मतलब शादी नहीं किए हैं, बस इनको हमदर्दी में इनको घर बनवाए, भाई तुम्हारे सास ससुर नहीं तुम्हारा देख रहे हैं तो तुम ऐसा है कि मेरी मोबाइल मेरे सास ससुर नहीं है देख रहे हैं, चलिए हम तुम्हें घर बनवा देते हैं जमीन लेकर, भाई प्रधान तो रहे कहीं ने घर बनवा देते, तू अपन रहा बच्चा लड़के लड़का, लेकिन हम तो ये कहा जिंदगी भर का सट्टा ना ले ले है, हमारे पास बेटी बेटा, हमारे पास औरत है, हमारे भाई हैं, हमारे बाप मतारी हैं, ये कहे रहना नहीं, ये जवान है बस इनके पीछे। अब आपका नैहर कनेरी में है, गोबराहा में क्या है आपका? आपका बस वो लगला है बारह पूरा कनेरी बहन है, मतलब वो कुल लगला है बारह पूरा कनेरी है, सुने हो गया कनेरी, ये कनेरी फूलपुर का, हाँ हाँ बस गोबराहा में क्या है आपका? वही भी गोबराहा में भी, गोबराहा यही पास में है, हाँ वही पास में है, तब जैसे वही पास में है तो क्या मेरे भाई नहीं हो सकते? तब तो मेरा भाई खुद उनकी की यहाँ रहे थे, पीसीओ चला रहे थे, रहे थे चक्की चला। उस महिला से क्या आपके भाई से कुछ लगाव था? हाँ लगा माला, जैसे अब कहाँ से हम बोल दिली तुम्हारे पास कोनो मजबूरी है तुम्हारा हम मदद कर दिली, बस यही बात है और कोनो बात ना है, न शादी न विवाह न कुछ, बस यही फायदा लेते लेते वो इतनी मन बड़ी बन गई कि वो जो मैं चाहती हूँ वो भी कर सकती है। आपको क्यों मार रही थी? बताइए, उस साथ बैठने के लिए कि इसको रखा है, इसको साथ क्यों घूम रहा है कि मोरी और ना या लेके ले काहे घूम मत भाई, बस यह बात है। मतलब वो महिला उनकी भी औरत नहीं थी, हाँ, और आप उनको अपना भाई बता रही? हाँ हाँ, और वो क्या बता वो जानती है, खुद जानती है कि इनकी बहन है, बहन लगती है, तब भी वो अपनी आगे मतलब कि ये जब से मतलब प्रधानी हार गए तब से नहीं जाते थे वहाँ नैहरे, मतलब रहा उनके घर वर बनवाए धने वही नैहरे रहा, उनके बिटिया की शादी भी कहीं नहीं भाई चला तो ना क्यों सहारा भाई हमें ही कह देते कुल कहीं नहीं, लेकिन वो साथे ले जाए चाहे मतलब बुलावे चाहे ले ना जाते, वहाँ कहते हम प्रधानी ना आई, हमारे पास आमदनी ना हो, तुम्हारे पास लड़का हो,
अब ओके हम पैर पे धराए दिली, घर द्वार बनाए दिली, कमाए खा अपन जिया खा, अब हम ना देख पाई, अब हमारे पास ना कोनो आमदनी है, भाई घूम बटारा वाला मनाई है प्रधानी रहा चलावत अब तो ना चलाए पाई खर्चा। यह बात है कि कहाँ है ना औरत कहाँ है कहाँ करत है, ये है कुल बात। अच्छा, है आपके भाई की औरत औरत है कि नहीं है? हाँ, हाँ, हाँ। उनकी औरत है तो फिर ये महिला उनके पीछे क्यों लगी? अब वो पूछा क्यों पीछे लगे भैया, अब तू पूछा है करे बारे में हम का जाने उनके औरत। आपके आपके सगे भाई भी नहीं है वो? हाँ आपके सगे भाई तो है। हाँ बाकी सगे भाई से ज्यादा भी मानते हैं, हमारे भाई गुजर गए उन्हीं से यहाँ से गुजर गए, लेकिन मुझे बहन मान के मेरे भाई से कसम खाया कि तुम राजू चले गए लेकिन मैं इनकी बहन तुम्हारी बहन की मैं सेवा करूंगा, तुम्हारी देखभाल मैं करूंगा। मैं राखी बांधती थी, मैं जाती थी, मैं राखी बांधती थी, मेरी भौजाई मुझे विदाई करती थी, इनकी पत्नी असली पत्नी जो है, बिल्कुल बिल्कुल जो इनकी असली पत्नी है वो मुझे विदाई भी करती थी, मैं राखी बांधती थी। जो भी हो लेकिन ये मामला जो है ये दो महिलाओं का विवाद है यहाँ पे, ये अपने आप को बता रही कि ये उनका भाई था और वो बता रही थी कि उससे भी शायद कुछ ऐसे संबंध रहे होंगे जो गांव की थी वो कुछ इनका मामला। जो भी आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ये इनके मामले जो हैं ये दो महिलाओं के बीच का ही मामला है, ये चीज़ समझ नहीं आ रहा। ये कनेरी की रहने वाली हैं और वो प्रधान जी भी गोबराहा के रहने वाले। हाँ हाँ, क्या नाम बताया था आप उनका? बांकलाल यादव जी। बिल्कुल, इनके मामले में अगर आपको कुछ समझ आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अंबारी चौराहे पर हम मौजूद हैं इस समय, कुछ समय पहले की घटना यहाँ पर विवाद हो गया था दो महिलाओं को लेकर और इनको देख लीजिए आप, चोटें भी आई हैं। वो महिला इनको ये कार में बैठी हुई थी, वो महिला इनको मारी पीटी भी, मैंने देखा अपने आँख से खुद देखा था, तो फिर कुछ टाइम बाद मैंने इनसे पूछने का प्रयास किया। और आप लोग जरूर वीडियो देखकर कमेंट जरूर करिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।